जदि युद्ध आगो को बढ़े रूस आहुरी प्रभावित होवार आशंका मन भितर तैयारी होउछि। ए संपर्क में आहुरी अधिक आलोचना करिबा अधिक आलोचना करिया पई आम सहित प्रोफेसर समरेन्द्र बसा जोड़ी होती अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ। प्रोफेसर बसा आपको स्वागत करी। रूस एवं कौ प्रकार स्थित अच्छी आप भल भाव अवगत अच्छा चेष्टा करुच्छी युक्रेन सहित शांति आलोचना करने कि एपटे युक्रेन सर्त रखिला शांति आलोचना आग को कौन हो पाए। देखो जो कथा नरेंद्र मोदी कहते हैं युद्ध समय नुह पुतिन पाखे सीधा सड़क भाव में तार दोहर जयशंकर जो रशिया विजिट्रे थे से युद्ध समय नुहे तेणु शांति दूत हिसाब से वर्तमान जदि देखा जाए तेज भारत ही गोटे देश जी की सामना को आसी भारत जो कथबार्ता शांति प्रस्ताव परे रशिया छाड़ी यूएस कहतु नाटो कंट्रीज कहते भारत को प्रशंसा कर कारण ए समय रे भारत गोटे विचार को नहीं युक्रेन युद्ध रे समस्ते युद्धास्त्र चलते समस्ते साहय कर मनोबल बढ़ावाई बट जो लोक मैंने जो पब्लिक मान हरासमेंट होती खावा को ना एनर्जी ना पावर ना यूटिलिटी इनफ्रास्ट्रक्चर ना किसी भी सुविधा ना देश छाड़ी पलायन करुँचिकुलर से पेन को फिल कर भारत एवं जो स्टेटमेंट देखिए वास्तविक यह युद्ध समय नुहे शांति प्रस्ताव रखार समय अच्छी तेनाली वर्तमान आपंकर जो नेट प्राइस जी अच्छा आपंकर वैदेशिक व्यापार सचिव जी की यूएस रो सी कहते कि प्रकृत में भारत जहाँ कहूँ ता ठीक कथा बर्तमान यूएस प्रेज कला तेज रशिया वर्तमान जो निसर्ग कथा कहते कौन बिना सर्त से वर्तमान युद्ध को विराम युद्ध को समाधान करने निजे राजी है। प्रोफेसर बसा सबुठ बड़ कथा जमी उल्लेख कली तथ्य रे जे 5 रु 10 दिन लेखा एमानंकु ट्रेनिंग दिया जाउछि एवं तांकु युद्ध मैदान रे छाड़ी दिया जाउछि। अनेक एठी सूचना मध्य सामना को आसुछि जे जगह रे कहा जाउछि जे एमानंकु खास करकी सामरिक क्षेत्र रे सेतिकी ट्रेनिंग दिया जाउ नाही जेतिकी दिया जेबार कथा। अनेक सैन्य मानकु शूटिंग करबा बा फायरिंग करिवार मध्य जणा नाही तापर भी तांकु हाथ रे बंदूक देकी फायर करबा पई कहा जाउछि युद्ध मैदान रे ये को प्रकार स्थिति। देखो तो साइकोलॉजिकल प्रेशर तांको ऊपर दिया जाए कारण जितेबले पार्शियल मोबिलाइजेशन फेल हैला जितेबले फुल मोबिलाइजेशन फेल हैला ते माने 3 लाख रो फिगर देले बट प्रैक्टिकली 82,585,000 आर्मी आसिकी युक्रेन युद्ध करथिले तबे सेतेबले जितेबले तांकर सैन्य माने नाराज थिले कारण तांकर प्रॉपर हेलमेट नथिला तांकर युद्धास्त्र भलो नथिला तांकर प्रॉपर ट्रेनिंग जो कथा आपण उल्लेख करथिले चित्र देखै कि 5 रो 10 दिन भितरे जो जोर ट्रेनर दे आर अनट्रेन्ड से कमी ट्रेनिंग देते तेनाली प्रपर ट्रेनिंग पापार नापर जियोग्राफिकल एरिया को देखा युक्रेन से टोटाल अभ्यस्त नुहत तेणु यह सब क्षेत्र में युद्धस्त्र नहीं कि आसवाई समर्थ नुहत आउ गए सब बड़ कथा है ये परिवेश मिलिटारी मान जेनेल मान बारंबार बदला गला पुतिन द्वारा ताद्वारा मिलिटारी मान भितर गोटाए प्रकार अशांतिर वातावरण खेलला सहयोग कले ना रशिया रा पीपल माने मध्ये जिते बेले मोबिलाइजेशन बेले सहयोग करि नथिले देश छाड़ी पाखापाखि 7-8 लाख लोक पळे जाइथिले तेणु ए सब देखि पुतिन कर जो स्ट्रेटेजी बारंबार बारंबार परिवर्तन रे आज जो कथा से कहउछंती निसर्त भाव रे युद्ध को समाधान करिया पई बाटो जो भारत बाहर कर दैछि बा स्टार्ट करिछि प्रस्ताव एहा स्वागत योग्य पदक्षेप किंतु इपटे आमे देखिबा जे ऑफेंसिव छाड़ी जे डिफेंसिव मोड रे जे थिले युक्रेन रे जेलेंस्की से कहते जे वर्तमान मोर 5 सर्त रही से 5 कौन ना गोटे वार क्रिमिनाल जो मैंने पनिशमेंट दि जाऊ वार क्रिमिनाल मैंने तो पुते निजे गोटे वार क्रिमिनाल से निजे कौन निजी पनिशमेंट देवे दैट पॉसिबल। सेकेंड से रखिले यूएन चार्टर को सम्मान दि जाऊ पुणी थर्ड सर्त से रखिले जो सैन्य मैंने मृताहत होती क्षतिपूरण दि जाऊ फोर्थ सर्त से रखिले आउ के युद्ध हवनी कहले गोटे सर्त रिटर्न भाव में प्रस्ताव दिंतु रशिया आउ के भी सर्त युद्ध हम ना पंचम सर्त से रखिले युक्रेन अखंडता जारी रही अखंडता बजाय रही तेरे अखंडता कहले जो चारो जो सी ने रेफरेंडम मध्यम चारोटी अंचल को ताहा मु छाड़ी नाई वहां के देवी ना अर्थात मोर जहाँ युक्रेन मैप थी मुझे बजाय रखी प्रोफेसर बसा एबे सरेंडर छड़ा कौन बाट ना कि आलोचना छड़ा कौन बाट ना कि कारण ये सब तथ्य जहाँ सामना को आसूची अंततः पक्षे आम जानवाक पाऊे रूस रे एबे सामरिक क्षेत्र में कौ प्रकार स्थिति अच्छी जो जगार कहुची युद्ध समय फेब्रुआरी बेलू पखापाखि 2 लाख सैन्य नियोजित होते कि हजार हजार सैन्य प्राण हर सर सबुठ बड़ा बड़ कथा हूँ एबेकार स्थिति रे ट्रेनिंग देवाई ट्रेनर भी नहांती आगो को केमिति युद्ध पड़ो ता तो वर्तमान गोटे बड़ चिंता एथिपाई नेगोशिएशन रास्ता रूस राष्ट्रपति बाछुचंती
ନିହାତି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ 70,000 ଅଧିକ ରୁଷ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ନିହତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଫେବୃଆରୀରେ 2,00,000 ସୈନ୍ୟ ସେମାନେ ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ଯେମିତି ହଉ ପଠାଇଥିଲେ ଅନ୍ଟ୍ରେନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଟ୍ରେନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କଥା ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଭରସା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଇରାନିଆନ୍ ରନ୍ ଯୋଉ ଶହୀଦକୁ ଭରସା କଲେ ଏବଂ ସେ ଇରାନିଆନ୍ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲକୁ ଭରସା କଲେ କାରଣ ସୈନ୍ୟ ସହିତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ ଯୋଉ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ସହିତ ମୁଁ ହାର ମାନିଯିବି ତେଣୁ ସେ ଉପରୁ ଏୟାରରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ ବା ଆଟାକ୍ କଲେ ଯୋଉ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମିଲିଟାରୀ ରହିଲେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲାଣି ଇରାନ୍ ମଧ୍ୟ ସପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଡିଲ୍ କରିନାହିଁ ତେବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଷିଆ ପଜଲ୍ରେ ରହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିଛି ସମାଧାନ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାଟ ବିରାମ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିଃସର୍ତ୍ତ ସମାଧାନ ମାନେ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ନ ରଖି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କାରଣ ୟା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଗତି ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ଯୋଉ ମିଡ୍ ଟର୍ମ ଇଲେକ୍ସନର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ୱାର୍ଲଡ କ୍ରାଇସିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଟ୍ରେଡ୍ ବଜାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଉନ୍ ହେଇଛି ଜାପାନ କୁହନ୍ତୁ ଫ୍ରାନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ ୟୁରୋପିଆନ୍ ସବୁ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଡ୍ ବଜାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଡାଉନ୍ ହେଇଛି କାରଣ ଗୋଟିଏ କାରଣ ତ ୟୁଏସ୍ର ମୁଁ କହିଲି ମିଡ୍ ଟର୍ମ ଇଲେକ୍ସନର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହବ ତେବେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲାଣି ଥଣ୍ଡା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲାଣି ଏ ସମୟରେ ରାଷିଆ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ନ ସରେ ତେବେ ଯୋଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲସେସ୍ ହେଇଛି ଯୋଉ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଲାଣି ଏବଂ ଭିତରେ ଯୋଉ ସିଭିଲ୍ ୱାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ରାଷିଆରେ ଏବଂ କ୍ରେମଲିନ୍ରେ ରାଷିଆର ଯୋଉ ପୁତିନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲେଣି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଟିନଙ୍କର ଟେନସନର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଏଇଆ ହେଇଥାଇପାରେ କି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ରୁଷର ଯୋଉ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦରକାର ହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଏବଂ ଏକଥା ବି କୁହାଯାଉଛି ଅନେକ ରିପୋର୍ଟରେ ଯେ ପାଖାପାଖି 3,00,000 ନାଗରିକଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ମଇଦାନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ତିଆରି ହେବ ମୋବିଲାଇଜେସନରେ ତ ସେଇ କଥା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ନାରା ଦେଉଥିଲେ ସେଭ୍ ଆୱାର ହଜବେଣ୍ଡ ଆମେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହୁଁ ସେତେବେଳେ